ये है आपके साइलोटम। अगर हम लोग इनके क्लासिफिकेशंस की बात करें तो यह टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो है इनका जो सब डिवीजन है वो है सिलोप्सिडा है, उसके बाद सिलोटेल्स है, सिलोटेसी है, और इसका जीनस जो है वो है साइलोटम। ठीक है, अगर हम लोग इनके प्लांट्स बॉडी को देखें तो यह जो है ना एक्सटर्नली रूप से जो है इस तरह से दिखते हैं, और अगर हम लोग इनके प्लांट्स बॉडी के बारे में देखें तो इनका प्लांट्स बॉडी जो होता है वह इरेक्ट के साथ साथ जो है ड्वार्फ्ड होता है, यानी कि यह नाटा होता है, और इनकी अगर हाइट की बात करें तो 75 से जो है 100 सेंटीमीटर तक यह जो है ग्रो कर सकते हैं। दूसरा है कि द डिफ्रेंशिएटेड इंटू, यानी कि यह जो होता है ना शरीर बटा होता है बेसल राइजोमेटस सिस्टम में और एरियल ब्रांचेज में क्या होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। अगर हम लोग बेसल राइजोमेटस सिस्टम की बात करें तो यह जो है ना सबटेरेनियन ब्राउन एंड रूटलेस होता है। उसके बाद जो है राइजोम्स क्या होते हैं, डाइकोटोमसली होते हैं, ब्रांच होते हैं और कवर्ड होते हैं स्मॉल्स स्केल से। ठीक है, राइजोम्स जो है वह क्या करता है, वह एरियल ब्रांचेज रखता है। अगला है कि एरियल शूट्स मे बी द पेंडेंट एपिफाइटिक स्पीसीज एंड इरेक्ट टेरेस्ट्रियल स्पीसीज। किसी किसी में जो क्या होता है यह एपिफाइटिकली स्पीसीज होता है, साथ साथ जो है यह टेरेस्ट्रियल स्पीसीज भी होते हैं। द सिलेंडर्स एंड ग्रीन एरियल सिस्टम्स आर फ्री डाइकोटोमसली, यह कैसा होता है तो डाइकोटोमसली ब्रांचेज होता है। अगला है एरियल सूट्स बियर्स मेनी स्मॉल एंड स्केल्स लाइक इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशंस डिस्ट्रीब्यूटेड स्केल लीफ, यानी कि इसमें क्या होता है कभी कभी कहीं जो है ना क्या होता है इररेगुलरली रूप से जो है पत्तियां लगी होती हैं। अगला है स्पोरेंजिया आर बॉर्न ऑन द सिनेंजियम, यानी कि इसमें जो है क्या पाया जाता है, सिनेंजियम पाया जाता है। पूछा भी जाता है एग्जामिनेशंस में कि सिलोटम का जो है एक गुण बताइए, तो इसमें क्या होता है आपके सिनेंजियम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सिनेंजियम। कहाँ होते हैं तो एरियल पोर्शंस में होते हैं आपके सिनेंजियम। तो ये हम लोगों का क्या है, साइलोटम है, जो इस तरह से जो है एक्सटर्नली इसका फीचर्स होता है।